सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो गेमर्स, फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे और भी एक नई वीडियो के साथ। सो गेमर्स, आप लोग फाइनली देख सकते हो कि गेम अब लोगों को खोलने के बाद काफी सारे बंदे को कमेंट आ रहा है कि भाई हम लोगों को गेम जो ओपन नहीं हो रहा है, इरर वगैरह दिखा रहा है, ऐसा इंटरफेस आ रहा है, गेम लॉग इन नहीं हो रहा है। तो मैं पहले भी ऐसा वीडियो छोड़ा था, उसमें कमेंट वगैरह आ रहा है, तो इसलिए मैं दोबारा वीडियो बनाना पड़ा मुझे आप लोगों के ये प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं फाइनली आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को क्या दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फाइनल स्टेप है कि आप लोगों का मोबाइल जो कमज़ोर है वो कैसे, मैं आप लोगों को अच्छा से डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। समझ लो, आप 200 चावल का खाना खा सकते हो, आपका अगर 50 ग्राम का खाना बना के दे उसमें आपको काम नहीं चलेगा, उसमें आप भूखे रह जाओगे। तो इसलिए ये सेम प्रॉब्लम आपका मोबाइल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आपका मोबाइल जितना मांग रहा है उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। यही समझ लो मोबाइल को, आपका मोबाइल अगर 2 GB वाला रैम या 3 GB वाला रैम या 4 GB वाला रैम, फाइनली स्टेप यही कि भाई इस टाइम में फिलहाल जियो एयरटेल नेटवर्क की बहुत बहुत कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, बहुत कमी हो रहा है, क्योंकि 5G लॉन्च हुआ है। इसलिए उसका बाद भाई आप लोगों का अगर रैम अगर ज़्यादा होगा आपका मोबाइल में तो आप लोग आराम से गेम प्ले कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका 2 GB 3 GB या 4 GB रैम वाला मोबाइल है तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, और मिलेगा जरूर मिलेगा। बात है मुद्दे की बाद में, आप लोग कैसे ये प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए हटाओगे, हमेशा की बात तो नहीं है, फिलहाल आप लोग हटा सकते हो। वो कैसे, आपका भाई है ना टिप्स और ट्रिक देते ही रहेगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फाइनली आप लोगों का मोबाइल जो है वो आपको क्या करना है, आप लोगों को मोबाइल को थोड़ा रिस्टार्ट वगैरह कर लेना है, मतलब एक बार गेम को उड़ा के फिर एक बार लॉगिन कर लेना है, या उसमें आप लोगों को आईडी वगैरह वो लॉग आउट हो सकता है, फिर भी लॉगिन कर लेना। और दूसरा बात यही है कि आप लोगों को नेटवर्क जो है ऑन करके आप लोगों को मोबाइल को रीसेट करना है, मतलब सेटिंग रीसेट नहीं, मतलब जो नॉर्मली रीसेट रिबूट होता है वो कर लेना है नेटवर्क ऑन करके, ठीक है। टिप सही है गाइस, आप लोगों को मोबाइल जो गेम है गेम को ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है आपका मोबाइल की सेटिंग में, मतलब आपका गेम का सेटिंग में जाना है और वहां पर ढूंढ लेना है आप लोगों को नेटवर्क इश्यूज वगैरह जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको क्लिक करके आप लोग आराम से उसको नेटवर्क यानी रिश्यूज में एक रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो ये 2-3 टिप्स फॉलो करोगे तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको बहुत सारा पसंद आएगा। इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये प्रॉब्लम अगर दोबारा आप लोगों को आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसका कोई और भी टिप्स एंड ट्रिक मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए गाइस, और एक बात गाइस, ये मेरा गिल्ड, अगर कोई बंदा मेरा गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो तो कमेंट में बोलना और उसका UID देना और रिक्वेस्ट भी भेज देना, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसा जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.